नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री विश्वास पर। दोस्तों उम्मीद है आप सभी ने जो है अपना काउंसलिंग फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से सबमिट कर दिया हो। अभी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो काउंसलिंग फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 तारीख यानी कि दोस्तों कल था। तो सभी का लगभग दोस्तों सभी स्टूडेंट ने अपना काउंसलिंग फॉर्म अच्छे से भर लिए होंगे। अभी जो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको जो है अभी आपको पूरा डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या फिर आपको जो डॉक्यूमेंट अभी नहीं है अभी भी आपके पास जो है 6 से 7 दिन का आपके पास टाइम है। इसके बीच में जो है आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखना है ताकि आप जो काउंसलिंग में जाओगे उस टाइम आपका कोई भी डॉक्यूमेंट ना छूटे। और दोस्तों काउंसलिंग में जाने के बाद अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, अगर मान के चलो कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जो है उसके सामने आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी दोस्तों आपका जो है काउंसलिंग जो है नहीं हो पाएगा, फलस्वरूप आपका जो है सीट निरस्त हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जो है आप प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हो, कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आपको कौन कौन सा नीड है डॉक्यूमेंट से ये PAT एडमिशन। तो दोस्तों मतलब आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं दो चीज़ में बात करने वाला हूँ। दो वीडियो बनाने से अच्छा एक वीडियो, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है PAT में काउंसलिंग के टाइम, आपको DVC के टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और जो है कॉलेज में जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा चीज़ मैं इस लिस्ट में लिख दिया हूँ जो कि हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ को जो है आप जो है 6 से 7 दिन के अंदर जो है कंप्लीट करके रखो, और जो है आप जो है इसका, और दोस्तों जितना भी डॉक्यूमेंट है इसका आप 2 सेट बना के रखो। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं PAT हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड, इसका भी आप एक फोटोकॉपी रखो और इधर भी एक फोटोकॉपी रखो। ये जो है आपका काउंसलिंग में काम आएगा DVC के टाइम, और यहाँ पे जो है आपको कॉलेज में जमा करने का काम आएगा, तो एक साथ 2 काम हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ये बात करता है कि CGPAT एडमिशन के लिए हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि PAT का जो हॉल टिकट जिसे एडमिट कार्ड कहा जाता है वो आपके पास है या नहीं है। अगर नहीं है तो दोस्तों नहीं है तो आप हमें अपना जो है रजिस्ट्रेशन ID दे सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे यहाँ पे PAT का रैंक कार्ड यानी कि दोस्तों आपका PAT का रिजल्ट, यहाँ पे आपका देख सकते हैं डेट ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब दोस्तों DOB सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 10वीं का रिजल्ट से आजकल काम चल जाता है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर या कॉल लेटर, ये जो है सीट दोस्तों आपको जो है 23 तारीख को, जैसे ही आपको सीट मिलेगा 23 तारीख को सीट मिलेगा, तो उसके बाद दोस्तों आप उस सीट को अगर आप कंफर्म करते हो, कंफर्म करने के बाद आपके मोबाइल में एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर एक डाउनलोड होगा, उसी लेटर का बात यहाँ पे लिखा गया है, उसी लेटर को आपको सुरक्षित रखना है और उसका भी प्रिंट आउट निकालना है। आगे यहाँ पे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। आगे यहाँ पे प्रीपेड फीस रिसीव, मतलब दोस्तों जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाएगा उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाएगा फीस पेमेंट का। तो अभी जो है आपका फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम का फीस जो है आपको अपना मोबाइल से ही ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा कॉलेज मिलने के बाद। तो इसका फीस कितना है, तो 8,620 रुपये आसपास इसका फीस है जो कि आपको पेमेंट करना है। दोस्तों यह फीस आप DVC के बाद यानी कि दोस्तों रायपुर से काउंसलिंग कराने के बाद भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर पहले भी पेमेंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसका जो है वहाँ पर रिसीव आप देने पर भी चल जाएगा, नहीं देने पर भी चल जाएगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं क्या चीज़ का डॉक्यूमेंट लगेगा। तो क्लास 10वीं का आपका मार्कशीट लगेगा, और यहाँ पे क्लास 10 का मार्कशीट लगेगा, और आगे यहाँ पे क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट एक लगेगा जो कि आप पास किए हो कि नहीं, वही दोस्तों 10 का सर्टिफिकेट में लिखा रहता है, तो ये पासिंग सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। आगे 10वीं का यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं, फिर आगे यहाँ पे 12वीं का रिजल्ट देख सकते हैं, फिर यहाँ पे देख सकते हैं PUC मार्क कार्ड एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ एनी, मतलब दोस्तों इसके अलावा आप कुछ दूसरा अगर कुछ कर रहे हो तो उसका भी आप वहाँ पे दे सकते हो ताकि आपको वहाँ पे गैप का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है कॉलेज में लगेगा, ये काउंसलिंग के टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों लास्ट में मैं काउंसलिंग टाइम कौन कौन सा लगेगा, कॉलेज में आपको कौन कौन सा जमा करना है सब बताऊँगा। आगे यहाँ पे आधार कार्ड एड्रेस प्रूफ के लिए देना पड़ता है, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाई रिसेंटली अटेंड स्कूल ऑफ कॉलेज, मतलब दोस्तों आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप रिसेंटली जिस स्कूल से निकले हो जिस कॉलेज से निकले हो उसका लगेगा। बहुत से स्टूडेंट दोस्तों PAT के साथ साथ जो है नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, कोई स्टूडेंट BA कर लेता है या फिर BCOM या BSc कुछ भी करना चालू कर देते हैं, तो दोस्तों उस कॉलेज को अगर छोड़ता है तो वहाँ से आपको जो है TC और CC यानी कि दोस्तों ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। वही दोस्तों यहाँ पे बात किया गया TC CC का जरूरत होता है। यहाँ पे आगे देखते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू बाई रिसेंटली अटेंड स्कूल, वही TC CC, फिर यहाँ पे आगे बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट TC CC इस टाइप का जो डॉक्यूमेंट है ये आपको काउंसलिंग टाइम में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने, जैसे ही आप रायपुर जाओगे तो उस टाइम में नहीं लगेगा, ये लगेगा आपके कॉलेज में, आपको जो है इसे परमानेंट जमा करना पड़ेगा। और DVC में क्या होता है, DVC में आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, जैसे कि आपका 10वीं में
दसवीं का रिजल्ट चेक किया जाएगा, उसका जो है अनुक्रमांक देख के उन लोग के सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर रहता है जिसमें आपका अनुक्रमांक डालने से आपका पूरा बायोडाटा खुल जाता है, तो उसमें दिखा देता है कि यह जो है रियल वाला है या फेक वाला है, मतलब दोस्तों ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। तो बस वही चीज़ का आपका वेरिफिकेशन, मतलब आपका DVC, मतलब दोस्तों आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है कि ये जो है आप जो ID दे रहे हो वो ये रियल में है या फेक में है। फिर आगे डोमिसियल सर्टिफिकेट, यानी कि दोस्तों आपका निवास, दोस्तों निवास बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप जो है काउंसलिंग टाइम जब रायपुर जाओगे DVC कराने तो बिना निवास के आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा, हो पाएगा तो पेमेंट सीट में होगा, यहाँ पे आपको फ्री सीट में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर आपके पास निवास नहीं है। तो जिन स्टूडेंट के पास निवास नहीं है या निवास कंप्लीट नहीं हुआ है, तो स्टूडेंट जो है ऑनलाइन जो अप्लाई किया हुआ था उसका जो है रजिस्ट्रेशन ID से उसका जो प्रिंट आउट निकाल के ले जाओ, फिर भी आपका जो है इसका काम बन जाएगा। और फैमिली इनकम प्रूफ, दोस्तों इनकम प्रूफ जो है जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी तीनों कैटेगरी में ज़रूरत पड़ता है, तो इनकम प्रूफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। आगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेरेंट्स का पैन कार्ड, आपका पेरेंट्स का पैन कार्ड भी वहाँ पे दोस्तों लग जाएगा अगर आप पेमेंट सीट में एडमिशन ले रहे हो तो। एट लास्ट 8 रिसेंटली साइज फोटो आप कैंडिडेट, मतलब दोस्तों आपका रिसेंटली खींचा हुआ 8 पासपोर्ट साइज फोटो का आपका भी वहाँ पे ज़रूरत होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो दोस्तों ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जो है DVC के टाइम नहीं लगेगा, ये डॉक्यूमेंट जो आपको कॉलेज में लगेगा बाद में जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा, जब आप रेगुलर कॉलेज करने लगोगे उस टाइम आपको कॉलेज में कभी भी मांग लिया जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कृषक सर्टिफिकेट, कृषक सर्टिफिकेट दोस्तों काउंसलिंग में DVC के टाइम बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आपको कृषक का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर दोस्तों किसी कारण बस आपका कृषक सर्टिफिकेट नहीं बना है तो कोई बात नहीं, आपका कृषक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और जिन स्टूडेंट का रैंक अच्छा खासा है उसका भी कृषक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों उसका नॉर्मल रैंक में ही उसका एडमिशन हो जाएगा, कृषक रैंक का उसका ज़रूरत नहीं है। आगे जाति प्रमाण पत्र, आपका जो है जिस कैटेगरी का हो उसका प्रमाण पत्र, और दोस्तों अगर आप फ्रीडम फाइटर या नक्सल इफेक्ट जम्मू कश्मीर क्षेत्र से विकलांग कैटेगरी में आते हो तो दोस्तों उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है, उस सर्टिफिकेट को आपको ले जाना पड़ेगा तभी आपको उसी कोटा में एडमिशन मिलेगा। और लास्ट में बात करते हैं राशन कार्ड, APL या BPL दोस्तों आजकल सभी के पास है, तो ये भी आपको ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको रेडी रखना है काउंसलिंग से पहले। और दोस्तों आपको जो है किस टाइप का डॉक्यूमेंट ले जाना है, तो मैं जैसे ही बोला हूँ इसका एक सेट, इसका दो सेट बनाना पड़ेगा, और दोस्तों एक ओरिजिनल का अलग रखो, वहाँ पे दोस्तों आपको ओरिजिनल दिखा जाता है और जो है फोटोकॉपी को आपको जमा कर लिया जाएगा, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट को भी आपको लेके जाना है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, सारे डॉक्यूमेंट तो आपको पता चल गया, इसका आप दो कॉपी बना के रखो और जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अलग रखो, सारा डॉक्यूमेंट आपको बहुत ही ज़रूरी है, आपको इसके बिना एडमिशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस बात को आप विशेष रूप से आप ध्यान में रखो।